गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर आकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक आयताकार आंगन 5x1/4 मीटर लंबा और 1x1/7 मीटर चौड़ा है, तो इस आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक कच्चा चित्र बना रखा है। ये क्या है, एक आयताकार आंगन है जिसमें लंबाई दिया 5x1/4 मीटर, 5x1/4 मीटर यानी ए और बी और डी कमर सी क्या दोनों लंबाई है, ए से बी तक और डी से सी तक लंबाई है, जबकि ए और डी बी और सी क्या ये चौड़ाई है। ठीक है, तो ये अपने रखा है 5x1/7 मीटर, 1x1/7 मीटर अर्थात जो लंबाई कितना है तो 5x1/4 मीटर है और जो चौड़ाई है तो 1x1/7 मीटर। ठीक है, अब हमें निकलना है क्या जी, आयत का निकलना है परिमाप। तो समझे में पहले परिमाप होता क्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका फॉर्मूला होता है आज का परिमाप निकालने का। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसे आपको समझेंगे थोड़ा सा। तो देखेंगे कि ए बी पहला लंबाई है, डी सी दूसरा लंबाई है। ठीक इसी प्रकार ए डी पहला चौड़ाई है और बी सी दूसरा चौड़ाई है, यानी आप देखेंगे तो पाएंगे इस आयताकार आकृति में दो लंबाई और दो चौड़ाई आपको दिख रहा है। क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस लंबाई, ठीक है, पहला लंबाई दूसरा लंबाई, फिर देखेंगे चौड़ाई प्लस चौड़ाई, यानी ए डी पहला चौड़ाई और बी सी दूसरा चौड़ाई। अब आप पाएंगे यहाँ पे कितना आएगी, एक लंबाई हो जाएगा दो लंबाई और प्लस एक चौड़ाई और एक छोटी हो जाएगा दो चौड़ाई। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है जी, तो दो दो वो दिख रहा है कॉमन, यानी ले लेंगे 2x लंबाई, यहाँ से दो ले लिया क्या बचा जी, लंबाई बचा, फिर प्लस लेंगे यहाँ प्लस, फिर यहाँ से दो ले लिया क्या बचा चौड़ाई प्लस चौड़ाई, यानी इस आकृति से आ गया 2x लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, आयत का परिमिति या परिमाप का फॉर्मूला। चलिए अब हम मान को भरेंगे, अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखा गया, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ लिखेंगे 2x कितना लंबाई है जी, 5x1/4 मीटर प्लस कितना चौड़ाई है, 1x1/7 मीटर। ऐड करेंगे, लिखेंगे 2x, पहले तोड़ेंगे पुराण को, 5x20 21/4, 21/4 प्लस 7x7=8/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 4 और 7 का निकालेंगे एलसीएम, तो आप पाएंगे कि 7 का एलसीएम कितना होगा, 28 होगा, 7x28 लेंगे 28, अब भाग देंगे इस संख्या से एलसीएम में, तो 4×7=28 आया, 7 मत, तो 7 इसमें गुणा करेंगे इसमें 21 में, तो 7×7=7, 7×2=14 यानी 147 प्लस लिखेंगे, फिर 7 से भाग देंगे 28 में, 7×4=28 कितना है 4, फिर 4 से गुणा करेंगे 8 में, 4×8=32। ठीक है, यहाँ भी 2 लगता है, 2×7=28, ठीक है, 4×2=28 सकते हैं
सात दो नौ, ठीक है, सात दो नौ चार तीन सात यानी 179 बटा 14, कितना आएगा कि 179 बटा 14। अब इसको तोड़ेंगे पूर्णांक में तो भाग देंगे किसमें जी, भाग देंगे 179 में 14 से, तो 14 एकम 14, सात में चार गया तीन, एक से एक कैंसिल करेगा नौ हो गया 39, छः दूनी 28, नौ में चार गया एक, तीन में से दो गया एक, क्या गया जी 11 का शेष। आप समझेंगे इसे, ये क्या है जी, यह हो जाएगा भागफल, यह हो जाएगा शेषफल, यह हो जाएगा भाजक, ठीक है, यानी भाजक है, भागफल है और शेषफल है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, ठीक है, ध्यान देंगे ये आपका भागफल है, ठीक है, ये आपका शेषफल है, शेष है, और ये जो होता है भाजक है, ठीक है, जो चौदह जो है भाजक है। तो इस लिखने का तरीका होता है भागफल पूर्णांक, भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक, शेष बटा भाजक। जब भी आपको ऐसा कोई संख्या मिले पूर्णांक वाला तो उसको इसी में लिखेंगे भागफल पूर्णांक शेष बटा भाजक। अब कितना भाग पड़ेगा जी, यहाँ ध्यान देंगे तो भागफल लिख रहा है कि नहीं, 12 यानी 12 पूर्णांक, कितना शेष है जी 11, 11 बटा भाजक कितना है जी 14, यानी जिससे भाग दिए उतना भाजक है 14, यानी कह सकते हैं जो इसका आंसर होगा 12 पूर्णांक 11 बटा 14 मीटर, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा इस आयताकार आंगन का परिमाप या परिमिति, कितना जी 12 पूर्णांक 11 बटा 14 मीटर। क्लियर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, इसका आपको नोट करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।